हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा इन हिंदी में। मैं शिवम कुमार आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ, राग यमन और कल्याण भी से बोलते हैं, जो संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है। अभी संपूर्ण जाति का राग से ही स्टार्टिंग हो रही है हमारे वीडियोज की। तो पार्ट वन है राग यमन, पूर्ण परिचय, वादी संवादी आरोह अवरोह पकड़, न्यास के सुर, जाति, गायन समय। तो राग यमन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ स्टार्टिंग में। ये अपने ही थाट की आश्रय राग, अपने थाट से ही जने थे, कल्याण थाट से। इसे कई लोग राग कल्याण भी बोलते हैं, और जो मुसलमान, अधिकतर मुसलमान लोग, उन्होंने इस राग को नाम यमन दिया है। और ये दोनों मिलकर भी एक नया राग की रचना करते हैं, यमन कल्याण। वो कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले राग यमन के बारे में बात करते हैं। राग यमन का थाट अभी मैंने आपको बताया कल्याण है। गायन समय इसका है शाम का, यानी कि रात्रि का प्रथम पहर, शाम 4 से 7 शाम के। और वादी संवादी इसका वादी है गा और संवादी है नी, दोनों ही शुद्ध हैं। इसमें विकृत स्वर तीव्र मा प्रयोग होता है थाट के अकॉर्डिंग। जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण है। न्यास के स्वर उसके हैं सा, रे, गा, पा और नी। अब इसके आहरों के बारे में बात करते हैं। आहरों में अधिकतर लोग नी से स्टार्ट करते हैं, मंद्र नी से। इसका चलन मंद्र नी से है, तो नी सा को छोड़ देते हैं, नी रे। वैसे वो भी करते हैं कि सारे गामा पाधा नीसा, ये भी करते हैं, पर जब नी यूज़ करते हैं तो नी रे गा मा धा नीसा यूज़ करते हैं, अधिकतर ये चलन में है। पा भी छोड़ देते हैं, पा को छोड़ देते हैं हम लोग, नी रे गामा धा नीसा करते हैं, पर सारे गामा पाधा नीसा भी करते हैं, ये भी करेक्ट है, दोनों बोथ आर करेक्ट। अवरो सा नी धा पा मा गा रे सा, माँ इसमें तीव्र मध्यम है, तो तीव्र मध्यम के हमने चिन्ह लगा दिया ऊपर। अब इसकी पकड़ नी से स्टार्ट है, नी रे गा रे सा कौमा, फिर है पा मा गा रे सा, ये होगी पकड़। अब इसकी पकड़ का गाने का चलन जो है, जैसे नी रे गा, गा से रे तक पहुंचने के लिए पा का हम लोग स्पर्श करते हुए जाते हैं, मीड़ लेते हुए जाते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर भी पा मा गा, फिर जब रे लेंगे तो पा का टच करते हुए जाते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में बताऊंगा, प्रैक्टिकल वाले वीडियो में, कि प्रैक्टिकल में कैसे इसको गाना है। तो ये कॉमन चीज़ है। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको ओरली बताता हूँ, वर्बली। राग यमन का जो आरोह अवरोह है उसमें नी से स्टार्ट होता है, मंद्र नी से। इसका ये गंभीर प्रकृति का राग है, इसके इसका चलन तीनों सप्तक में तो है वैसे भी, पर इसका चलन अधिकतर मंद्र सप्तक में ज़्यादा है, यानी मंद सप्तम ज़्यादा सुनाई देती है। और ये गंभीर प्रकृति का राग है, इसमें ध्रुपद, धमार, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ये सब गाया जाता है। ठुमरी राग नहीं है ये विशेषकर। और गतों में, यानी कि जो तंत्रवाद हैं उनमें, गतों में मसीद खानी, रजा खानी गतें बजाई जाती हैं, और ये आश्रय राग है सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, अब ये यमन कल्याण कैसे बनती है, कुछ जो हमारे मोमिन्स लोग हैं, जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, वो यमन इसे राग यमन बोलते हैं, और जो हिंदू का नाम है वो कल्याण है, क्योंकि ये कल्याण थाट से जनित राग है, आश्रय राग है कल्याण थाट की। इसीलिए अब ये राग यमन कैसे हुई, यमन तो उन्होंने नाम रख दिया, तो वो लोग नीरे गा से शुरू करते हैं, इसीलिए आजकल चलन में नीरे गामा धानी सा है, वैसे सारे गामा पाधा नीसा है। अब एक राग इससे निर्मित होती है, यमन कल्याण। यमन कल्याण की विशेषता बस इतनी है, पूरी सेम रहती है, बस अवरोह में पा मा गा मा गा रे सा करते हैं, अवरोह में। अवरोह में आप सुन लीजिएगा ध्यान से, अवरोह में लौटते समय पा मा गा मा, गा के साथ जो मा यूज करते हैं वो शुद्ध यूज करते हैं, बस इतना अंतर है, यानी कि पा मा गा मा गा रे सा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रमन राग यमन कल्याण किस तरह से निर्मित होती है इन दोनों रागों के मिश्रण से। तो ये राग यमन कल्याण इसकी निकटवर्ती राग, संप्रकृति राग भी है, और ये इसके न्यास के स्वर हुए। तो एक बार दोबारा, राग यमन थाट कल्याण, गायन समय 4 से 7 शाम के, यानी रात्रि का प्रथम पहर बोलते हैं। वादी गा है, संवादी नी है यानी निषाद और गंधार। जाति संपूर्ण संपूर्ण है। न्यास के सुर सारे गापा नी है। आरो नीरे गामा धानी सा। अवरो सा नी धापा मागा रे सा। पकड़ नीरे गारे सा पामा गारे सा। और ये अपने राग थाट के राग, अपनी आश्रय राग है अपने थाट की, और गंभीर प्रकृति की राग है, इसमें ध्रुपद, धमार, बड़े ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ये गाया जाता है, और रजा खानी, मस्जिद खानी गत बजाई जाती हैं, और ये
यमन कल्याण इसकी एक संप्रकृति राग है जो आखिरी में अवरोह में लौटते समय पामा गामा गारे सा दोनों माँ का प्रयोग करते हुए आते हैं, तो इससे यमन कल्याण बन जाती है। तो आई होप यू विल लाइक इट एंड गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अबाउट द राग यमन फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय, लव यू। So please watch it this video and don't forget to subscribe it, like it and share it. And if there is any comment, so please comment on my comment box. I hope you.